नाफेड द्वारा धीमी रफ्तार से और ऊंचे दामों पर बिकवाली की जा रही है, जिसके चलते चने में लंबी मंदी की स्थिति फिलहाल नहीं बन पा रही। वहीं गुरुवार को इंदौर में चने कांटे में गिरावट देखने को मिली। चना कांटा 50 रुपए लुढ़क कर 5100 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। दरअसल मंडियों में अच्छी क्वालिटी के चने की आवक जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। इस साल अब तक रबी की बुआई के आंकड़ों के अनुसार चने की सोइंग कमजोर है। अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान कर्नाटक में चने की बोइनी लगभग 15 से 20% कमजोर रहने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बोनी कम होने की उनका अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश में 20% तो उत्तर प्रदेश में भी 20% बोनी कम होने का अनुमान है, जबकि गुजरात में 10 से 15% कमजोर रहने का अनुमान जताया गया है। बताया जा रहा है कि इन राज्यों में बीते वर्षों के ऊंचे दामों के कारण किसानों ने चने के स्थान पर गेहूं, सरसों, मसूर, धनिया और जीरे की सोइंग में ज्यादा रुचि ली। बाजार बोनी के आंकड़ों के आधार पर चने का उत्पादन घटने की आशंका जता रहा है। ऐसे में चने में फिलहाल लंबी मंदी की उम्मीद कम है और भविष्य में मजबूती आने के आसार बताए गए हैं। फिलहाल नाफेड बचा स्टॉक बेच रहा है। आगे नाफेड का स्टॉक कम रहने पर चने में एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। चने में आई मंदी की वजह से चना दाल फिलहाल 100 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।